तो ये चांद लहरों को नचाएगा, ये चांद राशियों को नचाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग राशियों के ऊपर अलग अलग तरह का प्रभाव पड़ रहा है। और हमारे साथ इस वक्त हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य अशोक शर्मा जी। लगातार उनसे बातचीत हो रही है, अच्छी अच्छी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है, अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं वैसी जानकारी जो जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें, लाइव इंडिया के साथ बने रहें। एक सवाल मैं बिल्कुल पूछना चाहता हूं, नवीन जी से भी सवाल होगा और यही सवाल मैं थोड़ी देर के बाद अशोक जी से बिल्कुल पूछना चाहूंगा। लहरों को नचाएगी, थोड़ी कुछ दिनों से लगातार इस तरह की भविष्यवाणियां की जा रही हैं कि बस अंतिम समय है, पृथ्वी का अंतिम समय है, तबाही आने वाली है। कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आप जी बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल शांत रहें। जैसा कि हमारे मित्र मुंबई से बोलते आ रहे हैं कि ये मन को शांत करने का, केंद्रित करने का, ध्यान करने का समय है, ना कि मन को विचलित करने का। लहरें उठती रही हैं, जब भी चंद्रमा पूर्ण होता है और धरती के नज़दीक होता है उसका असर, क्योंकि वो जल से संबंधित है और जल को खींचता है, ग्रेविटी उसकी है, वो जल ऊपर तक आता है, उछाले मारता है। लेकिन उसके अब चंद्रमा छुप रहा है, जब भी कुछ अनटूडू, जब कुछ नॉन नेचुरल होता है ऐसे समझ लीजिए, तो उस समय प्रकृति में कुछ बदलाव आते हैं, देखे जाते हैं। तो मन मेन इसका कारण है, इसका कारक है। मन अगर आप नियंत्रण रखेंगे, ध्यान उस पर केंद्रित रखेंगे और शांत रहेंगे, भगवान की तरफ ध्यान रखेंगे, आपका आने वाला समय उत्तम होता चला जाएगा और ये समय भी आपके लिए उत्तम ही निकलेगा। तो कई तरह की चीज़ें हो सकता है कि आपके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव, बिल्कुल। लेकिन ये सवाल मैं बिल्कुल अशोक जी से पूछना चाहूँगा जो कि इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हैं, आचार्य अशोक शर्मा जी। अशोक जी, अगर सावधानी की बात अगर की जाए तो सबसे बड़ी सावधानी क्या होनी चाहिए चंद्र ग्रहण के दरमियान या चंद्र ग्रहण के बाद, जो सबसे बड़ी सावधानी होनी चाहिए, एक आम लोग भी सावधानी को समझे और वैसे लोगों को भी करना चाहिए जो इस तरह की चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं करते। इस समय मन को उत्साहित रखना चाहिए। आप कह रहे हैं लहरों में उछाल आएगा, ऊंची उठेंगी, लहरों में उछाल और ऊंची उठना ये अपने आप में समुद्र के उत्साह को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल, वो एक साधारण समुद्र को भी उछाल में तब्दील कर देता है, उछलते हुए उत्साहित कर देता है। तो अगर ऐसे समय में हम डिप्रेशन में, भय में आ जाएं, ये तो ठीक नहीं है। खाली चंद्र ग्रहण है इसलिए डर के रह जाएं, नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो कहूँगा ये समय उत्साहित होने का है और जितना ज़्यादा आप अपने अंदर से उत्साहित रहेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। भय की कोई आवश्यकता नहीं है, दुनिया समाप्त हो जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है। और जथा मति तथा गति, इस सिद्धांत को देखते हुए हमारे बहुत सारे सूत्रों ने कहा है, उत्साहो बलवान आर्य नाच्युत्साहात परम बलम सोत्साहस्य च लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। खाली उत्साहित रहना, अपने अंदर निराशा न भरना, ये सबसे बड़ी जरूरत है इस समय। अच्छा अशोक जी, नवीन जी से हम लगातार पूछ भी रहे थे, आपसे भी बिल्कुल पूछना चाहते हैं कि गणित क्या है, 11:53 पर चंद्र ग्रहण लगा, कब से कब तक रहेगा, कब से कब कब तक इसका मोक्ष काल होगा, कब से कब तक इसका निर्मल काल होगा, एक आम दर्शक भी कैसे इस बात को समझे? आम दर्शक को समझने के लिए गौरी जी इतना समझना ज्यादा जरूरी है कि ग्रहण शुरू होता है 11:53 से आज और 16 को 3:32 तक यह ग्रहण काल रहता है। इस ग्रहण काल के दौरान ऐसी कोई भी तामसिक क्रिया करें वो न करें, जो भी तामसिक श्रेणी में आती हो वो क्रियाएं न करें, जो भी सात्विक श्रेणी में आती हो उन सभी क्रियाओं को करें। ये पहली बात है जो आम लोगों के लिए काम की बात है। दूसरी बात जो आम लोगों के लिए काम की है, वो ग्रहण के पहले जैसे ही शुरू होता है स्नान करें। आपने देखा होगा ग्रहण के समय में लोग नदियों में स्नान करते हैं, तो नदियों में स्नान करते समय चंद्र तो आसमान में ही रहता है, तो छुपने की क्या बात है, डरने की क्या बात है, वहां तो पहले ही परंपरा में बताया गया है बाहर जाके स्नान करो। और समाप्त होने के बाद भी 3:32 के बाद भी स्नान आदि करें और दान करें, ये दोनों चीजें यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत ही खास तरह की जानकारी, अशोक जी आप लगातार हमारे साथ बने रहे। और अब इस वक्त हम आपको दिखा दें कि किस तरह से चांद दिख रहा है, चंद्र ग्रहण के बाद चांद की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। धीरे धीरे काली छाया लगातार बढ़ती जा रही है
12:53 पर आप देखेंगे कि पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी कि पूरी तरह से काली छाया इसके ऊपर पड़ेगी और फिर धीरे धीरे चांद ग्रास प्रारंभ हो जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, मात्र 1-2 मिनट रह गया आचार्य जी, पूर्ण चंद्र ग्रहण के पहले 1-2 मिनट के पहले कुछ खास तरह की बात होनी चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, मंत्र पाठ करना क्या होना चाहिए, किस तरह के मंत्र का उच्चारण किया जाना चाहिए? ओम सुमाय नमः, जिस राशि पर लग रहा है मंगल ग्रह उसका स्वामी है, ओम मंगलाय नमः, ओम अंगंगारकाय नमः, और साथ ही ये धनु राशि पर भी है तो ओम गुरुवे नमः का मंत्र पाठ ये करना चाहिए जी। और ओम नमः शिवाय का पाठ भी हो तो अच्छा है, विष्णु भगवान को भी ध्यान तो अच्छा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं दो तरह की तस्वीरें, एक तो दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से चांद दिख रहा है चंद्र ग्रहण के बाद, और दूसरी तस्वीर जोहानिसबर्ग की है, वहां पर भी चंद्र ग्रहण इस वक्त लगा हुआ है और वहां पर भी किस तरह से चांद दिख रहा है तस्वीरों की मदद से आप बिल्कुल समझ सकते हैं। तो दिल्ली और जोहानिसबर्ग की दो तस्वीरें अलग अलग जगहों पर, और आचार्य मैं बिल्कुल आप भी देख पा रहे हूँ इस वक्त दो तस्वीरें, ये अलग अलग क्यों दिख रहा है जी? क्योंकि हमारा लोकल टाइम और उनके लोकल टाइम में फर्क है, तो हमारे में अभी होने वाला है, हमारा जो दिल्ली टाइम है, भारत का जो है स्टैंडर्ड टाइम है, उसके हिसाब से उनके समय के अनुसार भी ये पूर्ण होगा। चलिए, इस बात को आम दर्शक भी समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 12:53 पर पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा और इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के दरमियान आप देखेंगे किस तरह से चांद की रूपरेखा बिल्कुल बदल चुकी रहेगी, काली छाया से पूरी तरह से ढक जाएगा चांद। और सबसे बड़ी बात है 1:43 पर ये चरम पर चला जाएगा। और जैसा कि अशोक जी भी लगातार कह रहे थे कि 3:32 अगर एक काम अगर अगर इस बात को आम आदमी समझने की कोशिश करे तो 11:53 से लेकर 3:32 तक चंद्र ग्रहण रहेगा और इस दरमियान आप बिल्कुल खास तरह की सावधानी बरतें, खास तरह के आप उपाय भी करते रहें, और सबसे बड़ी बात है कि आप अच्छी सोच के साथ इस काल को बिल्कुल जीने की कोशिश करें ताकि आने वाले समय में आपके ऊपर इसका अच्छा प्रभाव हो। एक सवाल मैं बिल्कुल पूछना चाहूँगा यहाँ पर, अगर राशियों के हिसाब से अगर चर्चा की जाए तो अगर सबसे बलवान राशि की बात करें, कई ऐसी राशियाँ होती हैं खास का समय में बहुत ही बलवान होती हैं, उसका समय अच्छा होता है, इस चंद्र ग्रहण के बाद क्या उस तरह की राशियों के ऊपर भी कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, कुछ है इसमें इतना प्रभाव है? जैसा उन्होंने कहा कि मिथुन और कन्या के अंदर और कुंभ और मकर में शुभ है, बाकी सब में कुछ थोड़ा दिक्कत है, तो ये एक आम जो प्रभाव है उनके मन के ऊपर, उनके चित्त के ऊपर, वो उनको आगे उद्वेलित करके कोई गलत कार्य ना कर्म ना करवाए, उस पर जरा वो कंट्रोल करें। बाकी अगर उनकी जन्म कुंडलियों में बाकी ग्रह स्थिति अच्छी है, कोई बुरा प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो उनके लिए ये एक ग्रह एक अच्छा समय। अच्छा समय। अच्छा, चलिए अब इस वक्त हमारे तमाम दर्शक बिल्कुल जानना चाहते होंगे कि समय बिल्कुल अब नहीं रह गया है, 12:53 पर दिखेगा आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण, तो हम आपको लेकर चलते हैं नेहरू प्लेनेटोरियम जहां पर हमारे संवाददाता सिद्धार्थ शर्मा मौजूद हैं। आज सिद्धार्थ बताएं कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, लोग काफी उत्साहित होंगे अब। और चलिए हम आपको दिखा दें कि नेहरू प्लेनेटोरियम, नेहरू तारामंडल से जिस तरह की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं लोगों को, वो उस तस्वीर को आप भी देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है चांद इस वक्त चंद्र ग्रहण के बाद, और आप तक हम पहुंचा रहे हैं लाइव तस्वीरें। 12:53 पर दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण और 101 मिनट तक काली छाया रहने की जो उम्मीद थी 101 मिनट तक, 101 मिनट में कई मिनट तो गुजर भी चुके हैं जी, मात्र मुझे लग रहा है कि 3 मिनट और रह गया है, 3 मिनट के बाद एक काली छाया धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाएगी जी। तो आप सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं चांद की चंद्र ग्रहण के बाद, और मात्र 2 मिनट के बाद, 2 या 3 मिनट के बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण आप देख पाएंगे, चांद की अलग तस्वीर, एक खूबसूरत तस्वीर जहां पर चांद तो नहीं दिखेगा लेकिन प्रकृति का एक अलग नज़ारा, अद्भुत नज़ारा आप देख पाएंगे, कुदरत वाकई में जो कहा जाता है कुदरत का नज़ारा, जो कि थोड़ी देर पहले एक दर्शक भी बता रहे थे कि किस तरह से कुदरत का नज़ारा देखने का मौका मिला। साधना के लिए, सिद्धि के लिए, यंत्र बनाने के लिए, मंत्र पाठ करने के लिए बहुत ही शुभ है, इस समय में इसका उपयोग सदुपयोग होना चाहिए, इसमें आप साधना करें, ध्यान करें, केंद्रित रखें मन को, ये बहुत ही उत्तम समय है आप सबके लिए। ये 12:52:53 से लेकर के 2:33 तक जो है ये समय अति उत्तम है साधना के लिए,
और साथ ही साधना करें, और जैसा कि अशोक भी लगातार कह रहे थे कि मन को शांत रखना जरूरी है, उत्साहित रखना जरूरी है। और अशोक जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, ऐसी 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 कोई जानकारी है शास्त्रों में कि एक दो मिनट पहले, जैसा कि लगातार अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि 12:53 पर लगेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण, तो उसे एक दो मिनट पहले कुछ खास तरह के मंत्र वगैरह का उच्चारण हो, कुछ खास तरह की बात हो? सभी व्यक्ति जो हैं इस समय अपनी राशि के अनुसार अगर मंत्रों का उच्चारण करें तो ये ज्यादा अच्छी बात होगी। लोगों को अपनी बात से ज्यादा लेना देना लगता है मुझे। मेष राशि, वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, मंगल प्रधान है, तो मंगल की राशियों के जो मंगल का जो मंत्र जप है वो करें। वृषभ राशि और तुला राशि वाले शुक्र के मंत्रों का जप करें। इस प्रकार से जो जिस राशि के अंतर्गत आता हो उस राशि के स्वामी का मंत्र जप करें, ये श्रेष्ठ बात है। यदि किसी को कोई राशि पता नहीं है, सर्वसाधारण दृष्टि से देखें तो भगवान विष्णु के किसी भी अवतार के मंत्रों का जप करना इस समय हमेशा श्रेष्ठ कहा गया है। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सिर्फ अपने आंख को बंद करें। इस समय पूर्ण ग्रहण है, एकदम पूर्ण ग्रहण 2 मिनट बाद हो रहा है। पूरी तरह से आप अपने अंदर समाहित हो जाएं और अपने आप को अनुभव करें कि आप क्या हैं। बहुत ज्यादा लाभ होगा जी। और अशोक जी, अगर एक आम आदमी भी अगर चंद्र ग्रहण के दरमियान इस बात को समझने की कोशिश करे कि हमारे ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है, जबकि मुझे ना तो अपनी राशि पता है, जैसे कि आप लगातार कह रहे हैं राशि नहीं पता हो तो क्या करें, अगर उन्हें अपनी कुंडली के बारे में कोई जानकारी नहीं हो या फिर वो कुछ भी नहीं जानते हो अपने बारे में कि दरअसल इस समय क्या किया जाए, तो सबसे अच्छा क्या होगा, सबसे अच्छा क्या कुछ करना चाहिए उनके लिए? गौरी जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अपने जीवन की जो सबसे उत्तम बात उनको लगती हो, जिससे उनको सबसे ज्यादा लाभ हो सकता हो, सात्विकता की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, तामसिक और राजसिक लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उस कार्य को इस समय करना चाहिए। द मोस्ट प्रायोरिटी वाला जो काम है वही करना चाहिए। और मोस्ट प्रायोरिटी ये है कि हम अपने आप को जान लें। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सिर्फ अपने आप को जानने की जितनी ज़्यादा चेष्टा करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप जीवन में भौतिक चीज़ों में अपने आप सफल हो जाएंगे। भौतिक सफलता तो बाई प्रोडक्ट है जी, बिल्कुल। अच्छा अशोक जी, बने रहे हमारे साथ, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि 12:53 हो चुके हैं और पूर्ण चंद्र ग्रहण लग चुका है, खग्रास प्रारंभ हो गया। हाँ, और ये बुधवार की रात्रि और गुरुवार की सुबह के समय ये हो रहा है, बुधवार और गुरुवार इसमें आ रहा है। जितना भी बौद्धिक वर्ग है, इंटेलेक्चुअल सेक्शन है सोसाइटी का, जितना भी राजनीतिक लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, वैद्य हैं या औषधि निर्माता हैं, उनके लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। उनको इस समय में जरूर अपने मंत्र पाठ अवश्य करना चाहिए, ध्यान अवश्य करना चाहिए, दान अवश्य करना चाहिए। चलिए, बहुत ही खास तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रही, और पूरी उम्मीद के साथ, पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि दर्शकों तक जो जानकारी पहुंची बिल्कुल इसका आप लाभ उठाएंगे। और चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव है, हालांकि पूर्ण चंद्र ग्रहण का प्रभाव खत्म हो चुका है, लेकिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव 3:32 पर रहेगा। और जिस तरह की जानकारी आप तक पहुँचाई गई बिल्कुल उसका लाभ उठाएँ और बाहर निकलें, अपने घर से बाहर निकलें और चाँद के सही रूपरेखा को देखें, उसके नज़ारे को देखें, और फिर देखेंगे कि चंद्र ग्रहण से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है बल्कि इसे बिल्कुल उत्साह के साथ लेने की जरूरत है। मुंबई से हमारे साथ थे आचार्य अशोक शर्मा जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ नवीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे संवाददाता सिद्धार्थ शर्मा नेहरू प्लेनेटोरियम से, नेहरू तारामंडल से लगातार जानकारी दे रहे थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इतना ही इस शो में, नमस्कार।